हेलो गेमर्स, क्या हाल है मेरे भाई, कैसे हो आप? आई होप आप सब मजे में हो। तो यार पबजी मोबाइल के अंदर ऐसे बहुत सारे अमेजिंग न्यू फीचर्स लगातार आते ही जा रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा आपको पहले किसके बारे में बताऊं, इसलिए मैं आपके लिए ये अमेजिंग वीडियो फाइनली लेकर आ चुका हूं। और हाँ, एक और जरूरी बात, मैंने आपसे अभी कम्युनिटी पोस्ट में ये पूछा था कि कौन कौन ऐसा है जो मेरे वीडियोज को सब्सक्राइब करने के बाद देखता है और कौन कौन ऐसा है जो सीधा सर्च करता है नेचुरल वाइटी और उसके बाद देखता है रोज सर्च करने के बाद। सो गाइस, ऐसा मत करो यार, क्या कर रहे हो? एटलीस्ट वो लाल बटन दबा तो मेरे भाई, सब्सक्राइब तो करके रखो ऐसी अमेजिंग वीडियोस और ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए जो मैं आपके लिए लगातार लेकर आता रहता हूं। कम ऑन, सब्सक्राइब बड़ी सब्सक्राइब मेरे भाई। एक वक्त ऐसा भी था जब इतनी मेहनत करके बनाया गया कंटेंट कोई भी नहीं देख पाता था, लेकिन धीरे धीरे जब आपने सब्सक्राइब करना शुरू किया तभी अमेजिंग कंटेंट लोगों तक पहुंच पाया। और अब तो हम फाइनली यूट्यूब पर 3 लाख की फैमिली होने जा रहे हैं गाइस, तो कांग्रेट्स एंड थैंक्स टू यू, थैंक यू सो सो मच मेरे भाई। और जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, वो फटाक से सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारा ये कंटेंट और भी लोगों तक पहुंच पाए और बाकी सबको भी पता चले हमारे इस कंटेंट के बारे में। अपडेट 1.4 जो कि PUBG मोबाइल के अंदर एक बहुत ही बड़ा अपडेट होने जा रहा है, इसके अंदर अब नेक्स्ट फेज रिलीज हो चुका है, यानी कि अभी तक जो अपडेट 1.4 हमें दिख रहा था वो एक्चुअली अपडेट 1.4.1 हो चुका है। तो आओ मेरे भाई फिर फटाक से देख लेते हैं आखिर क्या क्या नया है इसके अंदर जो कि हमें खेलने के लिए मिलने वाला है नेक्स्ट अपडेट में। ब्रांड न्यू शोल्डर व्यू फीचर, ये वही शोल्डर व्यू फीचर है जो हमने PUBG मोबाइल न्यू स्टेट के ट्रेलर के अंदर देखा था, और अब ये शोल्डर व्यू फीचर हमें PUBG मोबाइल के बेटा वर्जन के अंदर भी दिख रहा है, यानी कि नेक्स्ट अपडेट में रिलीज हो सकता है। तो जैसे लेफ्ट पीक राइट पीक दो अलग अलग आइकॉन्स होते हैं, वैसे ही एक तीसरा आइकॉन शोल्डर व्यू भी ऐड हो गया, और इस शोल्डर व्यू आइकॉन को प्रेस करते ही हमारा कैरेक्टर स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा और हमें शोल्डर व्यू दिखना शुरू हो जाएगा एनिमी का, मतलब एनिमी का नहीं अपने कैरेक्टर का, और उससे हम एनिमी को देख पाएंगे शोल्डर व्यू में। वैसे ये शोल्डर व्यू फीचर PUBG के अंदर पहले ही रिलीज हो चुका है इसके PC वर्जन में, और अब मोबाइल वर्जन के अंदर हमें बैक टू बैक देखने के लिए मिल रहा है। पहले PUBG न्यू स्टेट में दिखा उसके ट्रेलर में, और अब PUBG मोबाइल के अंदर तो ऐड ही हो गया है मेरे भाई। एंड जैसे दूसरे आइकॉन्स को इनेबल डिसेबल करने का ऑप्शन बेसिक सेटिंग्स में रहता है, इस शोल्डर व्यू को भी हम सेटिंग्स में से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ क्योंकि बाकी सब चीजों की सेंसिटिविटी अलग अलग रहती है, बिल्कुल वैसे ही शोल्डर व्यू की भी सेंसिटिविटी अब ऐड हो चुकी है, फ्री व्यू के अंदर भी है, ADS के अंदर भी है और जायरोस्कोप के अंदर भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने हिसाब से शोल्डर व्यू की अलग से सेंसिटिविटी सेट कर सकते हैं। अगर हम नॉर्मली हाई सेंसिटिविटी पर खेलते हैं तो शोल्डर व्यू को थोड़ा सा लो रख सकते हैं ताकि हमें एनिमी को हेडशॉट लगाने में बहुत ही आसानी हो, या फिर हम कुछ और न्यू ट्राई करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से भी शोल्डर व्यू की सेंसिटिविटी को सेट किया जा सकता है। एंड इस शोल्डर व्यू के बेनिफिट्स की अगर बात की जाए तो एक्चुअली इससे हमें फायदा ये होने वाला है कि ज्यादातर प्लेयर्स बहुत ही हाई सेंसिटिविटी पर जब भी खेल रहे होते हैं तो उनको लो सेंसिटिविटी स्विच करने के लिए सेटिंग्स के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता था अभी तक, लेकिन ये शोल्डर व्यू अब एक ऐसा स्पेशल ऑप्शन उन्हें मिल गया है कि वो इन गेम रियल टाइम अपनी सेंसिटिविटी को स्विच कर सकते हैं हाई से लो पे। जैसे ही शोल्डर व्यू को प्रेस करेंगे और इसकी सेंसिटिविटी लो रखेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी सेंसिटिविटीज अपने आप लो हो जाएंगी, या फिर इसका उल्टा भी किया जा सकता है कि बाकी सेंसिटिविटी अगर हम लो पर रख के खेलते हैं और हमें अचानक से हिप फायर के अंदर हाई सेंसिटिविटी चाहिए या कैसे भी हाई सेंसिटिविटी चाहिए तो अपने शोल्डर व्यू को हाई सेंसिटिविटी पर रख सकते हैं और उसका फायदा भी उठा सकते हैं हम गेम में। इसलिए अब तो जितने भी PUBG मोबाइल के प्रो प्लेयर्स हैं वो इस शोल्डर व्यू का भरपूर फायदा उठाने वाले हैं मेरे भाई, क्योंकि ये बहुत ही कमाल का फीचर है और गेम के अंदर बहुत काम आने वाला है। लेकिन अगर अभी भी आपको इसके बारे में सही से अंदाजा नहीं हो पा रहा है तो मैं आपको इस चीज की गारंटी दे देता हूं कि जितना एडवांटेज FPP और TPP स्विच से प्लेयर्स को हुआ है उतना ही एडवांटेज एटलीस्ट इससे भी होने वाला है, या फिर यूं कह लो उससे भी ज्यादा हो सकता है, इतना कमाल का फीचर है ये शोल्डर व्यू। न्यू लॉगिन स्क्रीन ऑफ अपडेट 1.4 वर्जन। सो क्योंकि न्यू अपडेट गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग थीम पर होने वाला है तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस था कि इसकी लॉगिन स्क्रीन भी बदलने वाली है, लेकिन वो कैसी दिखेगी ये हमें अब पता चला है। तो मेरे भाई ये रही वो लॉगिन स्क्रीन जो हमें अपडेट 1.4 के अंदर लॉगिन करने पर देखने वाली है। लेकिन इतना ही नहीं, इसी के साथ साथ जैसे हर सीजन एक नई बैकग्राउंड लॉबी थीम आती है, सीजन 19 की बैकग्राउंड लॉबी वाली थीम कैसी होने वाली है ये भी अब हमें पता चल चुका है, बिल्कुल ऐसी दिखने वाली है सीजन 19 के अंदर हमारी लॉबी। तो ये भी एक और लीक है जो हमें सीजन 19 का पता चल चुका है। अब गॉडजिला एंड कॉन्ग कंपेनियन रियल वॉइसेस। सो गाइस, PUBG मोबाइल के अपडेट 1.4 का जो सेकंड बेटा वर्जन अब रिलीज हो गया है उसके अंदर इन कंपेनियंस की वॉइसेस भी ऐड कर दी गई हैं। एक्चुअली इन गेम तो कोई आवाज नहीं आने वाली है जैसे फैल्कन की नहीं होती, लेकिन लॉबी में इनकी आवाजें भी सुनाई देंगी हमें। ओ तेरी, चलो एक बार और सुन लेते हैं, हियर वी गो। एंड
सेटअप देख लेते हैं कि जब भी हमारा कैरेक्टर लैंडिंग करेगा तो आखिर कंपेनियंस कैसे दिखेंगे उसकी पीठ पर बैठे, क्योंकि अब वो वाला एनिमेशन भी फिक्स हो चुका है नए बेटा वर्जन के अंदर। तो कॉन्ग और गॉडजिला कंपेनियंस कुछ इस तरह के दिखने वाले हैं जब भी हम लैंड करेंगे। सो हमारा कैरेक्टर जब प्लेन से जंप करने के बाद ग्लाइड करना शुरू हो जाएगा तो ये मजेदार से कंपेनियंस इसकी पीठ पर बैठ जाएंगे और आराम से हवाओं से बातें करते रहेंगे हमारे कैरेक्टर के साथ। इसकी पीठ से हिलेंगे नहीं, चिपक के बैठे रहेंगे जब तक हमारा कैरेक्टर नीचे नहीं उतरेगा। ऑल्सो हमारे कंपेनियंस को हमारे टीममेट्स देख सकते हैं। सो ऑब्वियसली जब हम एक साथ एज अ स्क्वाड लैंडिंग कर रहे होंगे, ग्लाइडिंग कर रहे होंगे, तो हमारे बाकी सब टीममेट्स भी हमारे कंपेनियंस को हमारी पीठ पर बैठा हुआ देख पाएंगे। न्यू एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स स्पॉटेड ऑन इरेंगल मैप इन पबजी मोबाइल। सो गाइस, ये एक्चुअली एक ब्रांड न्यू मोड है जो पबजी मोबाइल के इरेंगल मैप के ऊपर आया है इस नए बेटा अपडेट के अंदर। अब ये कब रिलीज होने जा रहा है इसकी तो अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इसके अंदर ऐसे बहुत सारे ऑसम फीचर्स हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। और हाँ, ये कोई चाइनीज वाइनीज वर्जन नहीं है मेरे भाई, ये ग्लोबल वर्जन के बेटा के अंदर ही है। तो अगर ये मोड आएगा तो ग्लोबल वर्जन में ही आएगा। सो इस न्यू मोड में मैच जैसे ही स्टार्ट हो जाता है, फ्लाइट पाथ बन जाता है और उसके बाद हमारा कैरेक्टर जब प्लेन से कूदता है तो तब तक बहुत सारे बॉक्सेस बन जाते हैं रेंगल मैप के ऊपर, जैसे ग्रे बॉक्सेस आप अभी देख रहे हो। तो मैं भी यसना पोलियाना के पास एक बॉक्स बना, उसको मार्क करने के बाद वहां पर कूद गया। तो मुझे जाकर वहां पर ये पता चला वहां पर एक न्यू स्टेशन बना हुआ था, उसके ऊपर सोलर पावर एंटीना था और अंदर बहुत सारी स्ट्रेन सी दिखने वाली चीजें थी। वो आखिर क्या है मुझे स्टार्टिंग में तो समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे मैंने आपके लिए उन सबको सीख लिया। तो अब मैं बता देता हूँ ये सब क्या है। यहाँ पर अंदर आते ही हमें राइट साइड बहुत सारे बॉक्सेस बने हुए दिखते हैं। एक्चुअली इन बॉक्सेस के अंदर बाहर शीशा लगा हुआ है और अंदर इसके अंदर हमें एंट्स दिखेगी, बी दिखेगी, राइनो दिखेगा, स्कॉर्पियन दिखेगा। और ये सब देख लेने के बाद ये अंदाजा होता है कि ये कोई ऐसी लैब है जहाँ पर कोई टेस्टिंग की जा रही है, कोई रिसर्च की जा रही है इन सब के ऊपर। फिर यहाँ पर मैं थोड़ी सी और अंदर गया तो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड एक स्पेशल रूम था जिसके अंदर एक स्कॉर्पियन मरा पड़ा था और उसको एक स्ट्रेन सा दिखने वाला क्रीचर, कोई स्नेल या फिर कुछ और, वो उसको खा रहा था। एंड फिर वहां पर मुझे उस लैब के अंदर एक एटीएम सी दिखने वाली वेंडिंग मशीन भी दिखी, जिस वेंडिंग मशीन के अंदर ऐसे बहुत सारे आइटम्स थे, अटैचमेंट्स थे, गन्स थी, एमो था, जो हम वहां से परचेज कर सकते हैं एक स्पेशल करेंसी के थ्रू। तो इस वेंडिंग मशीन का नाम पबजी मोबाइल वालों ने इस लैब में ल्यूमिनेटर कलेक्शन डिवाइस रखा हुआ है। और फिर ये देख के अंदाजा लग ही जाता है कि कोई चीज है ल्यूमिनेटर जिससे ही हम इन चीजों को परचेज कर सकते हैं, और ल्यूमिनेटर कहां से मिलेगी ये मुझे तब तक पता नहीं चल पा रहा था। सो वहां से निकलने के बाद इरेंगल मैप के ऊपर ऐसी और भी बहुत सारी लैब्स थी, बहुत सारे स्टेशंस थे, मैं वहां पर भी गया जिनके बाहर इन ह्यूमन लिखा हुआ था और इन ट्रूथ वी ट्रस्ट लिखा हुआ था। इसका क्या सिग्निफिकेंस है तब तक मुझे ये भी पता नहीं चल पा रहा था। फिर मेरे भाई थोड़ी देर बाद मुझे वहां पर ऐसा एक और स्पेशल चेंबर दिखा जिसके पास मैं पहुंचा तो वहां पर चाइनीज में मैंडरिन में कुछ लिखा हुआ था। एंड वो इसलिए कि ये तो हम जानते ही हैं कि चाहे वो पबजी मोबाइल के ग्लोबल वर्जन का ही बेटा अपडेट क्यों ना हो, बेटा वर्जन क्यों ना हो, उसे भी चाइनीज डेवलपर्स ही डेवलप करते हैं, इसलिए इनिशियली वहां पर सब कुछ चाइनीज में ही लिखा होता है ग्लोबल वर्जन के अंदर भी। तो जैसे ही मैंने इस चेंबर में इंटरेक्ट किया मेरा कैरेक्टर एक बी के अंदर कन्वर्ट हो गया। गाइस, भाई मेरा लंबा चौड़ा दिखने वाला कैरेक्टर एक मधुमक्खी बन चुका था जिसके हाथ में एक रॉकेट लॉन्चर था। तो ये हुई ना कोई बात गाइस, ये तो बहुत ही अमेजिंग फीचर है, बहुत ऑसम फीचर है। ऐसा कभी नहीं देखा मैंने पबजी मोबाइल में आज तक कि हमारा कैरेक्टर ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाए और इतना छोटा हो जाए। लेकिन अब आगे तो देखो इसके आगे क्या हुआ, इससे आगे तो और भी चीजें इंटरेस्टिंग होने वाली हैं धीरे धीरे। अब जैसे ही मेरा कैरेक्टर इतना छोटा बन गया, इसके हाथ में रॉकेट लॉन्चर आ गया, तो एक्चुअली यहाँ पर पबजी मोबाइल गेम के अंदर एक मिनी गेम स्टार्ट हो चुका था। और तब जाके मुझे ये समझ में आया कि हमें इस गेम में, इस मोड में ल्यूमिनेटर कहां से मिलेंगे। तो गाइस एक्चुअली जब हमारा कैरेक्टर बी बन जाता है और ये मिनी गेम स्टार्ट हो जाता है तब इस बी को ये ल्यूमिनेटर्स कलेक्ट करते रहने होते हैं उस छोटी सी जोन के अंदर जो भी जोन बनती है। सो इस लैब के अंदर भी और इस लैब के बाहर भी आसपास जो एरियाज हैं वहां पर हमें येलो कलर के छोटे छोटे डॉट्स दिखते हैं, बॉल्स दिखती हैं, यही वो ल्यूमिनेटर्स हैं जो हमें कलेक्ट करने हैं जिनसे हम बाकी आइटम्स परचेज कर पाएंगे इनकी एटीएम मशीन से, ल्यूमिनेटर कलेक्शन डिवाइस से। सो जैसे ही हमारे पास 200 250 या फिर 300 तक ल्यूमिनेटर्स कलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद हम इस मशीन पर जा सकते हैं और यहां से गन्स, एमओ, एक्सटेंशंस, आर्मर वगैरह वगैरह कुछ भी खरीदते रह सकते हैं गाइस, यहां तक के एटेक्स स्कोप भी परचेज कर सकते हैं हम यहां से। वॉर्म होल्स इन पबजी मोबाइल न्यू स्पेशल मोड। सो ये ऐसा एक और अमेजिंग फीचर मुझे इसी मोड के अंदर देखने के लिए मिला जिसके बारे में मैं आपको अभी बता रहा हूं। यहां से हम टेलीपोर्ट हो सकते हैं गाइस, हमें बस 50 ल्यूमिनेटर कंज्यूम करने हैं, मतलब यूज करने हैं, और उसके बाद हम एक लैब से दूसरी लैब में टेलीपोर्ट हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले बी के अंदर कन्वर्ट होना होगा। तो जैसे ही हमारा कैरेक्टर बी में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद ही हम टेलीपोर्ट हो पाएंगे, वरना नहीं हो पाएंगे। सो हमें बी में कन्वर्ट होने के पास इस वॉर्म होल के पास इस रिएक्टर के पास चले
जाना है और यहाँ खड़े होने के बाद हमें टेलीपोर्ट होना है। हमारे सामने रेंगल मैप खुल जाएगा और हम जहाँ पर भी सेलेक्ट करेंगे 50 ल्यूमिनेटर कंज्यूम करने के बाद हम वहाँ पहुँच सकते हैं। यानी कि जैसे मेट्रो एक्सोडस मोड के अंदर जो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन आए थे उसके अंदर हम एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जा सकते थे, बिल्कुल वैसे ही यहाँ से हम बी में कन्वर्ट होने के बाद टेलीपोर्ट होते रह सकते हैं एक लैब से दूसरी लैब में, यानी कि रेंगल मैप पर कहीं से कहीं भी जा सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स हमें यहाँ पर पबजी मोबाइल के इस नए बेटा अपडेट 1.4.1 के अंदर देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ पर जो स्पेशल गॉडजिला और किंग कॉन्ग वाले मोड थे लेकिन वो नहीं दिख रहे हैं अभी तक, पता नहीं वो कहाँ चले गए। सो ये क्योंकि बेटा वर्जन है, ऑब्वियसली ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी डेवलप किए जा रहे हैं। सो गाइस फाइनल बेटा अपडेट के अंदर हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या नए नए मोड कंफर्म हो गए और कौन सा मोड किस डेट को आने जा रहा है पबजी मोबाइल में नेक्स्ट सीजन 19 के अंदर। सो आपको हमें पबजी मोबाइल के नए सीजन 19 में क्या क्या आने वाला है ये पिछले 5 से 6 वीडियोस में सब कुछ दिखा चुका हूँ मेरे भाई, लेकिन कौन सी चीज कब आने वाली है इसके लिए हमें अभी थोड़ा इंतजार करना बाकी है। लेकिन वो अपडेट्स भी जैसे मैं आपको हमेशा देता ही रहता हूँ वो भी आपके लिए मैं फटाक से लेकर आने वाला हूँ, जैसे ही उनके बारे में कोई भी नई इन्फॉर्मेशन पता चलती है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ठीक है मेरे भाई, मैं चलता हूँ और लेकर आता हूँ आपके लिए ऐसा ही एक और अमेजिंग वीडियो। गुड बाय गेमर्स एंड लव यू ऑल।